हेलो दोस्तों, आज हम 10 नंबर के कान्हा जी का एक और तरीके से चोली बतलाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से चेन ले लेंगे। हम यहाँ पे 27 चेन लेंगे, 27 चेन। ये रहा 27 चेन। अब 27 चेन लेने के बाद दो और हम लेंगे। यहाँ पे देखिए, हम 11 नंबर की क्रोशिया यहाँ पे लगाए हुए हैं, 11 नंबर की, और ऊन हमारा यहाँ पे 3 प्लाई का पतला ऊन। दो चेन और ले लेंगे हम, एक दो। अब देखिए, फंदे एक बार हुक पे हम फंदा ले लेंगे और तीसरा चेन से हम हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो प्रत्येक में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। प्रत्येक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम अलग अलग चेन पे अलग अलग डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम पहला रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, हमें दूसरा रो में क्या करना है। ये पहला रो आपका यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रो में हम तीन चेन सबसे पहले ले लेंगे, एक दो तीन। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इस स्थान पे यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक चेन से दो डबल क्रोशिया हो गया। एक हम जो तीन चेन लिए वो एक डबल क्रोशिया कहलाया और ये एक डबल क्रोशिया। अब अगली चेन से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगला चेन से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक दो, इस तरह से। फिर अगला चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर अगला से दो, यानी एक बीच करते हुए हमें एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से हम दूसरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस ढंग से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, हम दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा बुनेंगे। तीसरा बुनने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तीन चेन ले लेंगे और पलट लेंगे। पलटने के बाद फंदे लेंगे और फिर से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो पहला चेन से ही हम डबल क्रोशिया बढ़ाना शुरू करते हैं। ये हो गया दो, एक चेन से दो डबल क्रोशिया किए हम। अब दो, एक, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर अगला चेन से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए, पहला में हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया किए और दो अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया किए। अब फिर से एक चेन से दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये रहा दो। फिर से हम दो अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया करेंगे, एक और फिर अलग चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर अलग चेन से दो डबल क्रोशिया, यानी दो बीच करते हुए हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से दो डबल क्रोशिया, फिर दो अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया है, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया। ये तैयार कर लेंगे। इस लाइन को तैयार कर लेने के बाद अगला लाइन जो हम बुनेंगे उसमें प्रत्येक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे हम। तो हम ये लाइन ही नहीं, सिर्फ अगला लाइन भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये एक
दो बीच करते हुए हम इस लाइन में बुने। अब हम जो ये लाइन बुन रहे हैं ये हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया, यानी इस पे हमें बढ़ाना नहीं है, बस प्लेन बुन देना है प्रत्येक अलग अलग डबल क्रोशिया पे अलग अलग डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कितना राउंड में कंप्लीट हुआ, एक दो तीन और एक चौथा चल रहा है, अभी चार राउंड हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब इस बार जो हम बनाएंगे वो पांचवा राउंड रहेगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, तीन चेन ले लेंगे, एक दो तीन, पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, यानी डबल क्रोशिया हमें करना बढ़ाना है एक चेन से। तो हम इस स्थान पे डालेंगे हुक को और एक चेन से दो डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पहला में ही हो गया, पहला चेन में हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए एक बढ़ाएं दो बढ़ाएं, अब इस बार हम तीन बढ़ाएंगे, यानी एक बीच किए दो बीच किए, अब इस बार हमें तीन बीच करना है। तो तीन बीच करेंगे हम इस तरह से, ये हुआ एक, ये देखिए आप अलग अलग यहाँ चेन पे हम डाले हुए हैं, दो और ये तीन। देखिए तीन अलग अलग चेन पे हम अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। अब जो अगला हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वो एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से हम तीन अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो और ये रहा तीन। अब एक चेन से दो डबल क्रोशिया करेंगे, यानी तीन बीच करते हुए हमें एक चेन से दो डबल क्रोशिया तैयार करना है। इस तरीके से तो ये राउंड हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दो राउंड हम प्लेन बुनेंगे, जिस तरह से हम ये बुने एक चेन से एक डबल क्रोशिया, एक से एक डबल क्रोशिया, इस तरह से दो राउंड और हम उसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। इससे बुन लेने के बाद तो हमारा कितना राउंड हो जाएगा, यहाँ एक दो तीन चार, ये पांचवा चल रहा है, छठा भी बुनेंगे और सातवां भी बुनेंगे, तो सात रो यहाँ पे तैयार हो जाएगा आपका। तो देखिए ये इस तरह से सात लाइन में बनकर कंप्लीट हो गया। देख रही हैं आप यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, पहला लाइन हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया किए, दूसरा लाइन में एक चेन बीच करते हुए एक चेन से दो डबल क्रोशिया, तीसरा लाइन में दो बीच करते हुए और दो डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से दो डबल क्रोशिया, और तीसरा लाइन में हम पूरा प्लेन बुने एक चेन एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद का जो लाइन है यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए, और ये लाइन हम एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया ही बनाए, यानी एक चेन से एक डबल क्रोशिया। लास्ट लाइन में भी हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पे हमारे पास सात रो में तैयार हो गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात में तैयार हो गया है। तो देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम इसका बाह निकालेंगे। बाह निकालने के लिए सबसे पहले तो हम तीन चेन ले लेंगे, एक दो तीन, फंदे को लेंगे और इस तरह से हम 10 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये तीन चेन एक डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा हो गया, ये हो गया तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये रहा दस। तो हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया इस तरह से बुनकर तैयार किए, ये आगे पल्ला का हो जाएगा। अब हम बाह में 15 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ से गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, फंदे ले लेंगे, इस जगह पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 हम छोड़े हुए हैं, यहाँ पे 15 चेन छोड़े, 15 डबल क्रोशिया छोड़ दिए और फिर हम बनाए। अब ये एक हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए, तो पीछे जब हम आगे 10 रखेंगे तो स्वाभाविक है पीछे हम 20 रखेंगे, तो यहाँ पे हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से। तो एक बना चुके हम, ये रहा दो,
तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, और दस बना लेंगे, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, और ये रहा बीस। बीस बनाने के बाद में अब हम फिर से पंद्रह डबल क्रोशिया यहाँ पे गिन लेंगे, पंद्रह चेन गिनते हैं दूसरा बांह का, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, यहाँ पे हुक को डालना है, फंदे लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे हम। अब इस तरफ भी दस होना चाहिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और ये लास्ट का दस। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बनकर तैयार होगा, अभी अधूरा है, देखिए ये इस तरह से बना। अब दो लाइन और हम यहाँ पे बुन लेंगे, फंदे को न बढ़ाना है न घटाना है, दो लाइन हम इसी तरह प्लेन बुन लेते हैं। इस तरह से बनकर तैयार हुआ, जिसे अगर आप इंच टेप से नापिएगा तो यहाँ से यहाँ तक साढ़े चार होगा और यहाँ से यहाँ तक साढ़े चार होगा। अभी आप अपना अपने कान्हा जी का लंबाई देख लें। अब इसमें हम आउटलाइन देंगे, अगर मान लिया जाए ये चोली कुछ बड़ा होता है तो इसे कम कर लें, एक लाइन कम कर देंगे तो आपका यहाँ पे फंदा यानी डबल क्रोशिया जो हम डाले हुए हैं ये कम हो जाएगा, और ये तो इतना तो देना ही पड़ेगा, ये दो लाइन यानी तीन लाइन जो इस पर हम दिए हैं देना ही पड़ेगा क्योंकि बड़े कान्हा जी का है। तो देखिए अब हम इसका आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन बनाने के लिए कोई भी कलर का जो विपरीत कलर हो ऊन ले लें आप, यहाँ पर हम काफ़ी पतला ऊन लिए हुए हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे ऊन ले लें, जो भी बड़ा लेना चाहती हैं मोटा लेना चाहती हैं। देखिए इस तरह से हम तीन चेन ले लेंगे और यहाँ पे हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो, अब इसे हम यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए हम इसे बनाते हुए ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, कोना निकालेंगे, कोना के बाद फिर यहाँ पे हम तीन तीन डाले हुए हैं, देखिए यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया के बाद डाले हुए हैं, फिर तीन के बाद, फिर तीन के बाद, देख रहे हैं आप इस तरह से हम डाले हुए हैं। अब ये कोना के पास देखिए हम किस तरह से बुनेंगे, यहाँ पर लाकर हम तीन डाल लिए इस स्थान पे, देख रही हैं आप यहाँ पे जोड़ दिए, तीन चेन हम ले लिए। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चूँकि हमारे पास यहाँ ऊन पतला है इसलिए हम तीन बार बना रहे हैं डबल क्रोशिया, तो तीन हो गया। अब इसे लाकर हम थोड़ा नज़दीक में यहाँ पे लाकर बंद करेंगे क्योंकि ये कोना है, कोना के पास हमें थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। अब फिर से तीन चेन ले लेंगे और फिर से इसे आगे बनाकर उसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसे हम और जगह पर कंप्लीट किए हुए हैं, दो और एक तीन, तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए इसे हम एक अंदाज से लेकर इसे हम डालेंगे, बंद करेंगे जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से, फिर से एक, दो, तीन बना लेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ पे बंद करेंगे, फिर बनाएंगे इस जगह पे डालेंगे बंद करेंगे, फिर बनाएंगे यहाँ पे बंद करेंगे, इस तरह से बंद करते हुए हम इसे यहाँ तक लाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपकी इच्छा है तो आप बाँह पर भी ला कर इसे कर सकती हैं तो आपका ये पोशाक बनकर
कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप ऊन ज़्यादा मोटा लगा रही हैं तो दो दो बार इस तरह से डबल क्रोशिया, जो हम तीन बार दिए हुए हैं आप दो बार दें। यहाँ काफ़ी पतला ऊन है ये, इसलिए हम तीन बार दे रहे हैं, यानी कि तीन बार हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, थोड़ा सा इसका हम और दूरी बनाएंगे, यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से। फिर एक दो तीन, तीन चेन ले लेंगे, फिर से यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। एक और ये रहा दो, दो डबल क्रोशिया हो गया, और ये रहा तीन डबल क्रोशिया। अब फिर से इसे हम लाकर यहाँ पे बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से तीन चेन ले लेंगे, इसे भी बनाएंगे हम तीन बार डबल क्रोशिया। ये हो गया, इसे लाकर यहाँ बंद कर देंगे। आप यहाँ से और थोड़ा इसे करीब में भी कर सकती हैं, यहाँ पे भी कर सकती हैं आप इस तरीके से। फिर से तीन चेन और डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, और इसे लाएंगे यहाँ पे बंद कर देंगे। एक चेन लेंगे, कट कर लेंगे यहाँ पे उनको। तो देखिए ये इस तरह से बनकर आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये दोनों को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये गले पर का स्थान रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारे कान्हा जी 10 नंबर के हैं, बड़े कान्हा जी हैं, तो ये तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ही आपको। अगर फिर भी आपको लगता है बड़ा हो जा रहा है तो इसे आप छोटा कर सकती हैं। यहाँ जो हम तीन तीन पे डाले हुए हैं उसे आप चार चार पे डालें, चार चेन पे डालें, तो ये आप रूपी थोड़ा सा यहाँ छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चार पे डालेंगे काफ़ी छोटा हो जाएगा, फिर कान्हा जी को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा डालने में। तो और इस तरह से अगर आप बाह में चाहती हैं तो यहाँ बाह में भी आप ये चीज़ बना सकती हैं। तो इस तरह से कान्हा जी का चोली बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।